हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेंगाइडे जोधपुर ऑनलाइन स्टडी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है मैनुअली स्टार्ट डेटा स्टार्टर। ओके, मैनुअली स्टार्ट डेटा स्टार्टर जिसे हम कहते हैं हस्त चलित स्टार्ट डेटा स्टार्टर, यह उसके अंदरूनी भाग के कुछ पार्ट्स हैं। किस तरीके से इनका कनेक्शन किया जाता है और कैसे इसे हम किसी मोटर से कनेक्ट करें, ये मैं इसके द्वारा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर, जिस मोटर से हम कनेक्ट करेंगे उसमें से जो निकलने वाले जो छोर रहते हैं, या मैं कह दूं कि उस इंडक्शन मोटर से जो कनेक्टिंग के लिए जो बिंदु निकलते हैं वो कितने रहते हैं, उनकी संख्या रहती है 6। जैसे कि पिछली थ्री फेज इंडक्शन मोटर की वीडियो मैंने आपको बताया था, उनमें से निकलने वाली जो छोर रहती है जिन्हें हमें कनेक्ट करना रहता है उनके कोई ना कोई नामकरण रहते हैं, जैसे कि U1 रहता है, U2, V1, V2 और W1, W2। तो इन्हें हमें कनेक्ट करना रहता है। यह भाग जो है यह मोटर का एक भाग है। इस मोटर के भाग को हमें, या मोटर के कनेक्शन को हमें इस स्टार्टर से कनेक्ट करना है। तो वह कैसे होगा और किस तरीके से यह मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है, यह स्टार और डेल्टा बन सकेगा, किससे, किसी स्टार्टर के माध्यम से। ओके, तो देखते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे ये है OLC। ओके, इनमें कुछ पार्टों को, जैसे इसके आगे मैंने कुछ स्विचेस को नहीं लगाया है और कुछ ही चीजों को मैंने हटा दिया है ताकि आप लोगों को आसानी से यह समझ में आ सके कि आखिर यह कार्य कैसे करता है और हमें कनेक्ट कैसे करना है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा ध्यान देना था इस मोटर के इस स्टार्टर से कनेक्शन जो होगा उसमें कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो सभी चीजों हटाकर सिर्फ मैं उन चीजों को बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को पता चल सके कि आखिर एक स्टार्टर से एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर को किस तरीके से जोड़ा जा सके। ओके, ठीक है, चलिए तो देखते हैं। जैसे यहाँ सप्लाई थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, यहाँ पे आने वाली सप्लाई भी कौन सी रहेगी, थ्री फेज सप्लाई रहेगी। और थ्री फेज सप्लाई के सबसे पहले क्या लगा रहेगा उसमें, OLC, ओवरलोड कॉइल। बहुत सभी OLC लगाना, क्योंकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, हम लोग कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं चाहते, है ना। तो OLC, ओवरलोड कॉइल, हमें इससे जाने वाली धारा जो रहेगी, जो उच्च धारा का मान रहेगा, उससे हमें क्या करेगा, सुरक्षा देगा। ओके, तो यहाँ देखते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं, यह जो दिए हुए हैं, यह मोटर का एक हिस्सा है, स्टार्टर का एक हिस्सा है जो कनेक्ट रहता है इस ओवरलोड कॉइल के डायरेक्ट संपर्क में इस तरीके से। ओके, मतलब अगर हम यहां से सप्लाई ऑन करते हैं तो मोटर की सप्लाई, यहां से स्टार्टर में जो सप्लाई है वह इसमें और इसमें विद्यमान रहता है जब हम लोग इस सप्लाई को ऑन करते हैं। ओके, क्या होता है फिर इसके बाद देखते हैं। यह है हमारा हैंडलिंग। ओके, और यह है NVC, क्योंकि अगर हैंडल है तो हैंडल को कहीं ना कहीं स्थिर रखना पड़ेगा, और वह कौन करेगा, NVC करेगा, नो होल्ड कॉइल। ओके, वह क्या करेगा, NVC करेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मुझे यह देखना पड़ता है इसमें कि इस हैंडल को मैं किस स्थिति में लेकर जाऊंगा। तो पहले यह स्टार बनाएगा और किस स्थिति में लेकर जाऊंगा, तो यह डेल्टा बनाएगा। तो यहां ध्यान देते हैं कि अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो इसका यह हिस्सा जो कहलाता है, यह हिस्सा ध्यान दीजिएगा, यह हिस्सा और यह हिस्सा, जब मैं किसी हैंडल को नीचे की स्थिति में लेकर जाऊंगा तो यह विपरीत दिशा से होते हुए और इसमें जाकर टकराएगा, इस स्थिति में जाकर टकराएगा। ओके, बल्कि मैं एक बात और बताना चाह रहा था कि सबसे पहले मुझे इसको बनाने के साथ ही साथ मुझे कॉइलों को भी बनाना पड़ेगा, उस मोटर की कुंडलियों को भी बनाना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को इसका कनेक्शन उसमें समझ में आ सके। चलिए मैं वो बना देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास है थ्री फेज इंडक्शन मोटर की ये तीन कुंडलियां जिनका मैंने नामकरण कर दिया। मान लेते हैं यहां पर भी अगर आपने U1 U2 लिखा है तो मैं यहां पर इनको U1 U2 V1 V2 और W1 W2 लिखूंगा। ओके, अब आपको यह समझ लीजिए कि यह जो भाग है यह आपका इस मोटर का यही भाग है, ठीक है, जो उनके कॉइलों का जो कनेक्शन निकला है वह इस तरीके से निकला हुआ है।
अब मैं जब इसका कनेक्शन करूंगा कुछ इस तरीके से करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले जब मैं हैंडल नीचे करूंगा तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मोटर में जो बनने वाला कनेक्शन है वह कैसा बनना चाहिए, स्टार बनना चाहिए। ओके, स्टार बनेगा कैसे, अब ध्यान देते हैं। जब मैं इस हैंडल को नीचे करूंगा तो इसके तीन पॉइंट, एक यह पॉइंट और यह पॉइंट, ये तीनों पॉइंट जो रहेंगे यह क्या होंगे, इसके इस हैंडल को नीचे करते ही यह तीनों पॉइंट इससे इससे और इससे जाकर क्या हो जाएंगे, एक साथ इस तरीके से जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब समझ जाएगा कि जब यह हैंडल जब नीचे की स्थिति में जाएगा तो यह विपरीत होते हुए इस इससे और इससे क्या हो जाएगा, जाकर कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यह हिस्सा जो कहलाएगा, यह तीनों कनेक्ट होने के बाद एक स्टार बनाएगा, सबसे पहले स्टार बनाएगा। तो स्टार के लिए हमें पहले कनेक्ट क्या करना पड़ेगा, इनमें भी देख लेते हैं, तो हमें स्टार बनाने के लिए पहले हमें तीनों कनेक्ट करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे इसमें क्या क्या चीजें कनेक्ट हुई है, U1 हुआ है, V1 हुआ है, W1। तो हम इसमें देख देते हैं क्या, बहुत आसानी समझ आएगा आप लोगों को, आप इसको देखते जाइए, U1, V1 और W1। अगर आप देखें तो समझ में आ गया आप लोगों को कि U1, V1, W1 जब कनेक्ट होगा तो कनेक्ट होने के बाद फिर क्या बनेगा, स्टार बनेगा, और ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, परस्पर इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से। ये वह स्थिति है जब आप हैंडल को नीचे रखते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, तो कुछ इस तरीके से यह हैंडल आके, ये वाला हैंडल आके इस तरीके से इससे क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो U1, V1, W1 ये मोटर के वह भाग है जो स्टार बनाते हैं। यह हो गया U1, यह हो गया V1, यह हो गया W1। ये तीनों जब एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं मोटर के अंदर तो ये तीन पार्ट जो है यह क्या हो जाते हैं, एक साथ स्टार बनाते हैं। कैसे, सप्लाई यहां थी, सप्लाई इसके माध्यम से इससे टकराकर इसमें आ गई। ओके, तो यह हिस्सा भी फेस बन गया। अब हमें इसका ध्यान देना है, अभी हम इसका नामकरण नहीं करेंगे, यह क्या है, हमें इसका नामकरण करना है इसको डेल्टा बनाने के बाद। डेल्टा कैसे बनाएंगे आप देखते हैं, डेल्टा कैसे बनेगा, यह तो था स्टार। ओके, सिर्फ अभी मैं इतना ही लिखूंगा, इसके बाद बनाऊंगा डेल्टा। डेटा के समय क्या होगा, हैंडल जो नीचे की स्थिति में था जब मैं उसको ऊपर करूंगा तो यह जो आपको ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, यह जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, यह डायरेक्ट इन तीनों से जाकर क्या हो जाएगा, एक साथ कनेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यह कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। और जब तीनों कनेक्ट होगा तो ये परस्पर इसकी सप्लाई जो है दोनों में बराबर जाने लगेगी। तो इसको हमें ध्यान देना है कि जब इसकी सप्लाई इसके होती है इसमें जाएगी तो इसमें जो जा रही है वह किस कुंडली में जा रही है, तो उसको हमें कैसे बनाना है, सबसे पहले हम डेल्टा बनाने की कोशिश करेंगे। डेल्टा बनाएंगे तो डेल्टा किस तरीके से बनता है, मैंने इसके पहले एक बार आपको बताया था, चलिए एक बार हम देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से डेल्टा रहेगा। ओके, तो डेल्टा में पहला कॉइल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। जैसे मैंने यहां पे एक पहला कनेक्शन कर दिया U1, दूसरे का कर दिया V1 और तीसरे कनेक्शन कर दिया W1। यह अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से स्टार्टर का कनेक्शन आएगा, और अगर आप यह नहीं बनाएंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएंगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप ऐसे बनाएं तो आपको बहुत आसानी से यह स्टार्टर का कनेक्शन बनने लगेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने बताया था U1 था, तो इसके जस्ट दूसरा वाला जो रहेगा, दूसरा छोर, वह क्या बन जाएगा, U2। अगर यह V1 है तो इसका दूसरा छोर क्या चला जाएगा, V2। और अगर W1 है तो इसका दूसरा छोर क्या चला जाएगा, W2। बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आगे होगा। आप देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे U1 है तो इसके जस्ट बाजू में किसका कनेक्शन आया है, W2 का। तो कोई इसमें आप लोग समझने की जरूरत है, आप सीधे देख लीजिए कि जस्ट U1 के बाद जो कनेक्ट होगा वह होगा क्या, W2। इसके बाद फिर क्या है, V1 है। तो V1 कहाँ दिया हुआ, V1 ये दिया हुआ, तो V1 के साथ यहाँ पे जब एक साथ कनेक्ट होगा तो क्या चला जाएगा, ये V1 के साथ क्या दिया हुआ है, U2 दिया है। तो ये आ गया U2 दिया है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ क्या दिया है, नेक्स्ट W1, और W1 के साथ क्या दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है। तो ये आ गया आपका V2, बिल्कुल आसानी से। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी के कनेक्शन यहाँ से जो आपके वायर निकलेंगे इस तरीके से, इन वायर को आपको इनके नामकरण के अनुसार इनसे कनेक्ट कर देना है। ओके, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से यह सब जो कनेक्ट हो जाएगा। अब जैसे यह W1 दिया हुआ है तो W1 को मैं कनेक्ट कर दिया, और यहां से V2 को इस तरीके से ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान देते हैं, ये था इसका बिल्कुल नॉर्मली कनेक्शन जिसमें आप लोगों को बहुत आसानी समझ में आएगा, लेकिन आपको पहले बनाना पड़ेगा क्या, स्टार और डेल्टा। जब आप हैंडल नीचे करेंगे स्टार बनेगा, किस तरीके से आप देख सकते हैं,
ओके। जब आप हैंडल ऊपर करेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा। वही भी मैं इसमें बता दिया हूं स्टार आपको कैसे बनाना है। स्टार आपका बन जाएंगे ये आपका आ गया यू वन और यू वन डी वन डब्ल्यू वन, ये आ गया यू टू डी टू डब्ल्यू टू। इस तरीके से अगर आप बना रहे तो आपको थोड़ा और आसानी होगा बनाने में, समझने में भी आसानी होगी। ओके नेक्स्ट आता है फेस में एनबीसी। एनबीसी को क्या किया जाता है, किसी दो फेस में इनको कनेक्ट कर दिया जाता है। किसी दो फेस में मान लेते हैं अगर आपका यहां से बी वन जा रहा है, मान लेते हैं यहां से जो वी वन गया हुआ है जो इस वी वन से जाके यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है, तो इस वी वन से हमें एक सप्लाई लेनी पड़ेगी इस तरीके से, कोई दिक्कत होगी। ये हो गया आपका वी वन से और नेक्स्ट आपका कहीं से अगर आप सप्लाई लेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू वन से। ओके ये हो गया आपका डब्ल्यू वन। कुछ नहीं है, आप लोग को एनबीसी का कनेक्शन किसी दो फेज में इससे और इससे कर देंगे आप तो आपको आसानी से यह सप्लाई मिल रही है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यह है एक स्टार्टर का मैनुअली स्टार्टर का कनेक्शन है। यह है स्टार्टर का, स्टार्टर का कनेक्शन। इसमें कुछ चीजें और लगी रहती है जैसे एनओएनसी कॉइल लगे रहती है और बाकी फ्यूजेस लगे रहते हैं, तो वो सब चीजें मैं अभी नहीं लगाया हूं इसमें, क्योंकि मोटर से या स्टार्टर से मोटर का कनेक्शन बताया हूं जिनको दिक्कतें होती है इस तरीके का कनेक्शन करने में। ओके बाकी आप लोगों को जो कनेक्शन दिक्कत होंगी वो आप लोगों की बुक्स में भी मिल जाएंगी। फिलहाल जो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा वह यह था, तो इसे मैंने समझाने की कोशिश किया। ओके अभी के लिए थैंक यू।